वज़ीर आज़म इमरान खान की माहिराना क़यादत और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की रहनुमाई में हुकूमत पंजाब ने बेशुमार तरक्याती कामों की बुनियाद रखी है, जिसमें बिजली और तवानाई, तालीम और सेहत, देही तरक्की, सड़कों की तामीर और हाउसिंग के लातादाद प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन्हीं बहुत से तरक्याती कामों में रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। वज़ीर आज़म की हिदायत और खुसूसी दिलचस्पी के बायस वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर बराए हाउसिंग जनाब महमूद रशीद इस प्रोजेक्ट की अज खुद निगरानी कर रहे हैं। RDA के चेयरमैन जनाब तारिक मुर्तजा दिन रात इस प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी में शामिल है। रावलपिंडी रिंग रोड अपनी नौयत का एक अनोखा मनसूबा है, जिससे रावलपिंडी को इक्तसादी बरतरी और मुआशियात में एक वाज़ेह सबकत हासिल होगी। जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, उनमें इज द हेल्थ सिटी, अबाउट 200 एकर्स उसकी जमीन हमने मुख्तस की है, इसमें हेल्थ सिटी बनेगी, एक नई सिटी बनेगी। इसी तरह एजुकेशन सिटी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, फिर उसके बाद थीम पार्क होंगे फॉर एंटरटेनमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का थीम पार्क होगा रिंग रोड पे। और देन जो मेन आजकल की जो हाईलाइट है द मॉडर्न सिटीज में जो प्लानिंग होती है, दैट इज इरेटोपोलिस। 65 किलोमीटर की ये रिंग रोड N5 यानी GT रोड पर वाके रेडियो पाकिस्तान के सामने से शुरू होकर मोटरवे M1 M2 को मुंसलिक करते हुए संगजानी से जाकर मिलेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के दोनों अतराफ मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन्स, एजुकेशन और हेल्थ जोन भी शामिल किए गए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड में मौजूद 8 इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिससे कारोबारी तबके को फायदा होगा। हेल्थ और एजुकेशन जोन्स में अस्पताल, स्कूल कॉलेजों के अलावा सैर व सियाहत के फरोग के लिए अवामुन नास को जदीद थीम पार्क्स और टूरिस्ट स्पॉट्स भी बनाकर दिए जाएंगे। RDA के चेयरमैन के मुताबिक ये इस खत्ते के लिए एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। ये एक नया शहर रिंग रोड के इर्द गिर्द इकोनॉमिक जोन्स के साथ आबाद होगा, जिसकी एक अपना इम्पैक्ट होगा सिटीजन्स की लाइफ पे, इस रीजन की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। और इंशाल्लाह ताला वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कराएंगे इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। ये जो रिंग रोड का बनना है, जो तकरीबन 68 किलोमीटर लेंथ की रिंग रोड है, और इसके गिर जो 8 इकोनॉमिक जोन बनने हैं, वो बिजनेस कम्यूनिटी के लिए बहुत अहम है। इस सिलसिले के अंदर इंशाल्लाह रावलपिंडी चैम्बर अपना एक भरपूर रोल अदा कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि जिसने भी ये रिंग रोड के इर्द गिर्द इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा रावलपिंडी की ताजर बरादरी उठाए, क्योंकि ये रावलपिंडी के आने वाले वक्तों के अंदर, हम समझते हैं कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर रावलपिंडी शहर एक इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। दुनिया भर से जितनी भी ट्रांजेक्शन इन या आउट होनी है, That's going to be from Rawalpindi। मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे रिंग रोड जब बनेगा ना, तो वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, जो हमारा अपना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी बड़ा अच्छा साबित होगा। इससे मंडियाँ जो हैं वो बाहर जाएंगी, हैवी ट्रैफिक जो है बाहर जाएगी, और शहर की जो पार्किंग है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और जैसे रिंग रोड के साथ साथ शहर में RDA की तरफ से कोई पार्किंग प्लाजा भी अनाउंस हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ पूरे शहर का सिनेरियो चेंज हो जाएगा।